आज की इस महफिल में, इस बज़म में हम बात करेंगे कि क्या इंसान अपनी ज़ात के साथ सिंसेर हो सकता है। वाजिफ अली वाजी साहब फरमाते हैं, सबसे पहले अपने रिश्तों को पहचानो, इन रिश्तों के साथ सदाकत का ताल्लुक़ रखो, फिर जो आपका सेल्फ है, आपका योर सेल्फ है, बल्कि योर रियल सेल्फ है, उसको पहचानो। इसमें सबसे पहले आपके रिश्ते आते हैं, सबसे पहले अपने रिश्तों को पहचानो। जो लोग आपसे ताल्लुक़ रखते हैं वो आपका सेल्फ हैं, इनके साथ सिंसेर हो जाओ। आपके ख्याल के मुताबिक आपके मरने पर जिन लोगों को गम होने का इम्कान है, अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को खुशी ज़रूर दे जाओ। इन लोगों को बाद में सिर्फ रोने के लिए ना छोड़ जाना, इनका थोड़ा सा रोने का हौसला भी हो जाए। बस इतना सा काम कर लो तो ये सिंसेरिटी है आपकी अपने सेल्फ के साथ, अपनी ज़ात के साथ। ज़रा जायज़ा लें कि आपके मरने के बाद कौन अफसोस करेगा। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ही खुशी दे जाएं, जिसको अपनी मौत का गम दे कर जाना है उसे ज़िंदगी में खुशी दे जाओ। जब मौत का गम दे जाओगे तो ज़िंदगी की खुशी भी दे के जाओ। जितनी दौलत है ऐसे अपने आप को कम अमीर ज़ाहिर करो, दौलत छुपाओ नहीं, लेकिन मुबालगा पैदा ना हो जाए। ये है सिंसेरिटी। और अगर ज़िंदगी में सिंसेरिटी हो तो मौत के साथ भी सिंसेर हो जाओ। बस दोनों काम कर लो, जिंदा हो तो मरने का इंतज़ार करो, और मौत से इतना डरो कि ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। ज़िंदगी गुजारो यकीन के साथ और मौत पर एतमाद रखो। मौत से इतना डरना नहीं है कि ज़िंदगी से मायूस हो जाओ, और यह भी ना हो कि मौत से गाफिल हो जाओ। ये है सिंसेरिटी। तो भी अच्छी बात है अपनी ज़ात के साथ सिंसेर होना, अपनी ज़ात की वाबस्तियों के साथ सिंसेर होना, हर एक के साथ सिंसेर होना। अच्छे लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।